तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडाई की i20 है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एसी चालू रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी का बटन ऑन है। कूलिंग टेम्परेचर भी आप देख लीजिए, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। कूलिंग भी प्रॉपर नहीं है, कूलिंग उतना नहीं है क्योंकि गैस कम है और दूसरा आउटसाइड का एयर मिक्स हो रहा है, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है, कम हो रही है। इसमें कंट्रोल पैनल, इसके जो कंट्रोल पैनल में है ना, एक दो फॉल्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटर हाई पे है, हीटर का बटन काम ही नहीं कर रहा है। जैसा कि आप, मैं घुमा रहा हूँ हाई पे, यहाँ है तो हाई पे जाके अटक गया है। कम कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, कम कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। यहाँ से ऑटो का बटन बराबर चल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। डायरेक्शन मोड चेंज हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन मोड सभी मोड चल रहा है, फ्रंट मोड भी चल रहा है, रियर मोड भी चल रहा है। और आउटसाइड का एयर देख पा रहे हैं, आउटसाइड का एयर नहीं चल रहा है और हीटर का एडजस्ट जो है ये नहीं चल रहा है। ऑफ भी हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है सब। यहाँ से आप ऑन करेंगे तो ऑन भी हो रहा है, सब चल रहा है। तो इसका फॉल्ट क्या है, कंट्रोल पैनल में फॉल्ट है या वायरिंग में फॉल्ट है, मैं यही चीज़ आपको दिखाने और समझाने और बताने के लिए आया हूँ कि दूसरी गाड़ी का मैं कंट्रोल पैनल लेके आया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, सेम कंट्रोल पैनल है, बस इसमें टेप है, टेप अलग है इसका क्योंकि ये आउटसाइड फिटेड टेप है इसकी वजह से, पर ओरिजिनल ये है कंट्रोल पैनल इसका। तो इसकी वजह से मैं ये वाला कंट्रोल पैनल इसमें फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि फॉल्ट किसका है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपन वायरिंग में चेक करने के लिए लग जाते हैं तो टाइम लॉस हो जाता है। इस वजह से मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि किसका फॉल्ट है, आपको खुद समझ में आ जाए। आपके पास अगर गाड़ी है या फिर आप काम कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाए। तो चलो फिर मैं इसको खोल देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं खोलना भी इजी है, यहाँ से इसको खींचेंगे इजीली खुल जाएगा। देख पा रहे हैं खुल गया, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सब सॉकेट वगैरह, ये सब सॉकेट थी, कंट्रोल पैनल का दो ही सॉकेट है ये वाली, तो मैं ये सब इसको खोल के इधर रख दिया हूँ और ये वाली कंट्रोल पैनल मैं फिट करता हूँ इसमें, फिर फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ चलता है क्या नहीं चलता है। इसको इधर ही लगा के रखा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो चलो फिर मैं फिटिंग करता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं ये वाली कंट्रोल पैनल फिटिंग कर दिया हूँ और इसमें देख पा रहे हैं एडजस्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाई लो चल रहा है, ऑफ भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है इसमें। ब्लोअर की स्पीड भी चल रही है, आउटसाइड एयर भी चल रहा है, देख पा रहे अभी बंद हुआ, अभी चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, यानी सभी सिस्टम। रियर डिफोगर का भी चल रहा है, फ्रंट डिफोगर का भी चल रहा है और मोड बटन भी सब चेंज हो रहा है। सामने रख लेता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। आप, मैं इसको हाई करता हूँ और आपको ये भी समझ में आता होगा, आपके दिमाग में ये भी डाउट आता होगा कि हाई पे रखा था फिर कूलिंग कैसे हो रही थी। तो बराबर है आपका कहना, क्योंकि बाहर से इसका जो है ना हीटर कॉइल का जो पाइप लगता है ना, कूलेंट का सर्कुलेशन करवाया जाता है ना, तो हीटर कॉइल के पास से कैंसिल करवा दिया है किसी ने, इस वजह से यहाँ पे हाई रख करके भी मोटर तो चल रही है, फ्लैप का यानी हीटर का फ्लैप का जो मोटर रहती है वो चल रही है, बराबर एडजस्ट हो रहा है, लेकिन बाहर से ही किसी ने कैंसिल कर दिया, इसके वजह से अंदर हीटिंग आने का कोई चांस ही नहीं है, इस वजह से हाई पे भी कूलिंग हो रही थी, यही रीज़न है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको, आप अगर इसमें काम करते हैं या फिर आपके पास गाड़ी है ये, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि ताकि हुआ क्या है, आखिर हो क्या रहा है, या फिर ये गया है, या फिर किसी को आप वायर, कोई किसी के पास लेके जाते हैं तो वायरमैन के पास वायर छेड़छाड़ करने लग जाता है, तो एक्चुअल में फॉल्ट क्या है वो चीज़ बस मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाली कंट्रोल पैनल इधर है, ये वाली, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली कंट्रोल पैनल में फॉल्ट था इसके वजह से। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये वाला कंट्रोल पैनल प्रॉपर चल रहा है, और तो ये वाली कंट्रोल पैनल जो पहले जो फिटिंग थी जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रिपेयर कैसे करें, तो चलो फिर मैं उसको आपको रिपेयर भी करके दिखाऊंगा और कैसे रिपेयर किया जाता है या फिर इसके अंदर क्या हुआ है जो ये चीज़ें नहीं चल रही है। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ इसको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल अपना सिर्फ यही है, तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले एक स्क्रू, ये एक दो एक तीन एक चार स्क्रू है जो कि मैंने खोल दिया और ये इजीली अपना
बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे बाहर आ चुका है। तो चलो फिर मैं इसके ऊपर का लॉक रहता है ये वाली लॉक, ये लॉक निकालना पड़ेगा माइनस स्क्रू ड्रावर से कटा करके, इसको इधर रख देता हूँ। और उसके बाद ये वाली भी लॉक ऐसे ही निकलेगा, इसको भी इधर रख देता हूँ। और उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला लॉक कटा करके बाहर निकालना पड़ेगा आपको। तो चलो फिर मैं ये बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे मैं सब लॉक निकाल दिया हूँ, अब मेरे को सिर्फ ये बाहर लेने का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी बाहर आ चुका, देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये रहता है इसका, इसके अंदर इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, जरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे ये निकल चुका, पेपर जरा उधर कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर सर्किट बोर्ड ये वाली रहती है, तो सर्किट बोर्ड में कुछ तो फॉल्ट नहीं दिख रहा है मेरे को, थोड़ा देख पा रहे हैं ये गीला गीला हो गया है ये वाला कॉन्टेक्ट। तो मुझे शायद लग रहा है इसी के वजह से, या फिर इसी के वजह से ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, प्रॉपर तरीके से क्लीन करके फिर फिटिंग करता हूँ। तो ये देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसा कि देख रहे हैं ये येलो ब्राउन कलर हो गया है, इस वजह से शायद के नहीं चल रहा है। तो चलो फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके फिर फिटिंग करता हूँ। रिपेयर हो जाता है, इसका कुछ मसला नहीं है, कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं रहता है, कुछ सर्किट बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मेरे को। तो इस वजह से मैं चलो फिर इसको क्लीन करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया सब खोल चुका हूँ यहाँ, तो चलो फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको क्लीन करने वाला, जैसा कि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट क्लीनर, इससे साफ करूंगा मैं। आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, बस और कुछ नहीं। पूरे कॉन्टेक्ट में जहां मेरे को ये दिख रहा था कार्बन जैसा जमा हुआ दिख रहा था, मैं उसी पार्ट्स में मार रहा हूं, तो इसको क्लीन हो जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको क्लीन करके पूरा फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं जो साइड साइड में ब्राउन कलर की जो कलर छोड़ दिया था वो सब क्लीन हो चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका भी इधर जो कलर छोड़ा था वो सब निकल चुका है, यानी अभी पूरा क्लीन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक बार गाड़ी में यहाँ फिटिंग करके फिर चेक करके पहले आप चेक कर लेता हूँ, फिर आगे फिटिंग करेंगे कि चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो पहले मैं फिटिंग कर देता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे ही, फिर आगे प्रॉपर तरीके से फिटिंग करूंगा। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे मैं फिटिंग कर चुका हूँ यहाँ, अभी डेंजर काम है यहाँ, थोड़ा फिटिंग करके दिखाना। 23 पे तो दिखा रहा है पर मैं घुमा नहीं सकता क्योंकि जम नहीं रहा अपने को एक हाथ से, यानी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। और आउटसाइड का जरा दिखा देता हूं एक बार आपको, निकल जा रहा है प्रॉपर तरीके से, ये नहीं हो पा रहा है। तो जरा एक बार ट्राई करता हूं और देखता हूं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं कोशिश किया ट्राई करने की लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो 21 पे आ रहा है मतलब रिपेयर हो गया रहेगा। तो चलो फिर इसको मैं फाइनली फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या नहीं, चल रहा है क्या नहीं। बस इसको मैं बाहर ले लिया, तो ये बॉडी में इसको बैठा देता हूँ, फिर बॉडी में बैठा के आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली ये वाली बॉडी में मैं बैठा चुका हूँ, फिर अब इसके ऊपर का ढक्कन लगा करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फिट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ लगा के आपको दिखाता हूँ। तो सॉकेट दोनों में लगा देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे दोनों सॉकेट भी मैंने लगा दिया है, अब चाबी ऑन कर रहा हूँ जरा मैं। जैसा कि देख पा रहे 22 पे डायरेक्ट आया है, यानी जैसा कि देख पा रहे हैं एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ से, हीटर एडजस्टमेंट हो रहा है कंट्रोल पैनल से। और आउटसाइड का एयर भी देखो, आउटसाइड का एयर भी चलने लगा है अभी, ऑफ भी हो रहा है ऑन भी हो रहा है,
सब चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। ये रियर डिफोगर तभी चालू होगा जब गाड़ी चालू रहेगा, सिर्फ मैं चाबी ऑन किया हूँ अभी, डोर की स्पीड कम कर देता हूँ, चल रहा है। ये तभी चालू होगा जब चाबी ऑन करेंगे तभी। और ये फ्रंट डिफोगर का है, ये भी चल रहा है और डायरेक्शन मोड भी प्रॉपर चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हीटर एडजस्टमेंट हो रहा है, ऑटो भी चल रहा है, ऑफ भी हो रहा है। तो चलो मैं इसको फुल फाइनली फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं फिट ये कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी फिट हो चुकी है। बस मैं सॉकेट लगा के इसको प्रेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली फिट कर दिया हूँ इसको, कंट्रोल पैनल जो है फिटिंग किया था मैं, फिट कर दिया हूँ इसको, ऑफ कर देता हूँ। तो टेप का छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई लो पे आ रही है, देख पा रहे हैं चल रहा है सब। और आउटसाइड एयर ऑन ऑफ हो रहा है, जो कि पहले नहीं चल रहा था, ये भी नहीं चल रही थी, ये भी नहीं चल रहा था। और रियर डिफोगर अभी गाड़ी चालू है अपना, रियर डिफोगर भी चल रहा है, फ्रंट डिफोगर भी चल रहा है, मोड बटन भी सब प्रॉपर चल रहा है। तो मैं इसका कूलिंग टेम्परेचर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि पहले कूलिंग जो हो रही थी कम हो रही थी, क्योंकि आउटसाइड का एयर मिक्स हो रहा था ना, इसकी वजह से। तो चलो आप देख लेते हैं कूलिंग टेम्परेचर, मैं थर्मामीटर लगा देता हूँ इस साइड। थर्मामीटर लगा दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे अभी 23 पे है। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर गाड़ी चालू रखा हूँ और कूलिंग टेम्परेचर होने देते हैं, और आउटसाइड का एयर ऑन कर देता हूँ, कूलिंग टेम्परेचर होने देता हूँ, देखता हूँ कितना तक जा रहा है, आप भी देख लेंगे। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये रिपेयर करके कंट्रोल पैनल, ये सब चीजें ना मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए कि क्या हो रहा है। ये कंट्रोल पैनल जिसने डिजाइन जो किया है ना, तो वो ये तो हालांकि ये प्रिंटेड बोर्ड सर्किट बोर्ड है, ये मशीन में बनता है, लेकिन बट जिसने इसको डिजाइन किया वो भी एक इंसान ही था। तो जिसने बनाया है वो भी इंसान था जब, तो हम उसकी बनाई हुई चीजों को रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? रिपेयर तो जरूर कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना कि कैसे बनाया है नहीं बनाया है। तो इसकी वजह से मैं ये सब चीजें ना आपके सामने लड़ा हूं, ताकि आपको भी समझ में आए चीजें। तो इसका हीटर भी नहीं चल रहा था पहले, तो ये पहले कूलिंग टेम्परेचर देख लेते हैं। तो जब तक के लिए मैं वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक आ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे कूलिंग टेम्परेचर 9 पे आ चुका है, जो कि 9.8 से पहले जो मैंने चेक किया स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, अभी भी ड्रॉप हो रहा है, यानी अभी भी ड्रॉप होगा, लगभग 6 तक जाएगा, 6 तक जाता है इसका कूलिंग टेम्परेचर। तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अब मैं हीटर हाई करता हूँ इसका, और हीटर का जो बाहर से जो हीटर कॉइल का पाइप जो कैंसिल करके रखा था, कंट्रोल पैनल खराब होने की वजह से, कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा था, इस वजह से बाहर किसी ने इसका हीटर का जो कूलेंट का सर्कुलेशन करवाया जाता है डैशबोर्ड के अंदर जो कॉइल रहती है, तो उसका कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ एसी चाहिए था, इसके वजह से। तो मेरे पास आई तो मैं इसका हीटर भी बनवा दिया। तो चलो फिर मैं इसका हीटर वहां बाहर लगा दिया हूं और हीटिंग टेम्परेचर चेक कर लेता हूं। चलो फिर मैं हाई करता हूं हीटर, जैसा कि देख पा रहे हैं हाई किया हूं, और हीटिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, बढ़ रहा है। तो हीटिंग टेम्परेचर बढ़ने देते हैं, देखते हैं कहां तक जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं 48, 49, मैंने इसका हीटर भी कर दिया, सब कुछ प्रॉपर कर दिया, ये गाड़ी का प्रॉपर सिस्टम चल रहा है। इसे ऑन कर देता हूं मैं और हीटर लो पे कर देता हूं, कूलिंग पे ले लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया सब रिपेयर करके वगैरह। तो हेलो दोस्तों, आप अगर ये सब चीजों से इंटरेस्टेड हो ना, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना, तो फिर मैं आगे अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना, तो और भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, और अच्छी अच्छी चीजें कंटेंट्स आपको दिखाते रहूंगा मैं। तो जो भी आपका कोई भी गाड़ी हो ना, तो वो गाड़ी के ऊपर कॉमेंट करके बताए कि आपको अगर डाउट आ रहा है कि मेरा ये सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आप कॉमेंट करके बताए कि ये गाड़ी के ऊपर एक वीडियो बना के दिखाइए, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो कुछ भी कंसर्न है कमेंट करके बताइए, मैं उस गाड़ी के ऊपर जरूर वीडियो बना के आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो जब चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।